Hi guys, welcome back to my channel. So, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ और आज है मंडे और अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 और अभी हम लोग जाने वाले हैं केक लेने और वो किस लिए वो तो मैं कल ही आपको बताऊँगी यानी कि ट्यूसडे को. और बाय द वे ये है मेरा न्यू हूप्स ईयरिंग. ये थोड़ा छोटा वाला है और इससे थोड़ा सा बड़ा एक है. मैं इतना बड़ा चाह रही थी लेकिन वो मुझे नहीं मिला तो मैंने ये एक लिया है और इससे थोड़ा सा बड़ा एक लिया है. और ये जो है ये मेरा रियल नहीं है, आर्टिफिशियल मैंने बनाया है. एंड सो चलिए अभी चलते हैं बेकरी और अभी जाके लेके आते हैं केक. लेके आते नहीं, ऑर्डर देते हैं. थोड़ा छोटा केक चाहिए और तो चलिए चलते हैं. वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दे रही हूँ, ब्लॉग अच्छा लगे तो आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर. और हमारी फैमिली अभी 200 क्रॉस कर चुकी है. आई नो ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट मेरे लिए बड़ा ही है बिकॉज कहाँ से मैं यू नो शुरू की थी और अभी 200 हो गए हैं. और तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, मुझे पसंद करते रहिए और भी फैमिली बड़ी होती रहेगी. सो गाइस अभी हम लोग हैं बेकरी पे और जैसे कि देख सकते हो बहुत बड़ा सा यहाँ पे मिरर लगा हुआ है. सो हम लोग केक का ऑर्डर दे चुके हैं और वो क्यों होगा, क्यों हम लोग केक का ऑर्डर दे रहे हैं आपको कल पता चलेगा जब हम लोग केक कटिंग करेंगे. और ये है ईशान, इसके डेडा. हाय हाय शू, हाय. सेम सम टी शर्ट भी पहने हैं दोनों ने. इत्तफाक से इन लोगों का ऐसा ही हो जाता है, है ना? सेम सेम पहन लेते हो ना. सो अभी हम लोग गोभी मंचूरियन का ऑर्डर दिए हुए हैं पार्सल के लिए और फिर हम लोग जाने वाले हैं पानी पूरी खाने के लिए. यहाँ पे उतना अच्छा तो नहीं मिलता है, आलू का जो स्टफिंग होता है वो यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे मटर वाला स्टफिंग मिलता है. खैर जो भी है, हम लोग घर आ चुके हैं और अभी हम लोग खा रहे हैं गोभी मंचूरियन. ईशान भी बहुत इंजॉय करता है, सब को बहुत पसंद है ना ईशान? मन लग जा. अभी मैं आराम से बैठी हुई हूँ बिकॉज आज डिनर रिया बना रही है. रिया बहुत अच्छा चाउमीन बनाती है, एक्चुअली एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में चाउमीन बनाती है वो, इसीलिए आज हम लोग इसीलिए आज डिनर में हम लोग चाउमीन ही खाने वाले हैं सिर्फ. और बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनाती है. मैं कभी उसी का भी रेसिपी शेयर भी करूँगी अपने चैनल पे और वही बनाएंगी आज. तो अभी वो सारी प्रिपरेशन कर रही है, वेजिटेबल वगैरह. सो अभी वो वेजिटेबल वगैरह की प्रिपरेशन सारा कुछ कर रही है. और रिया बहुत अच्छा खाना बनाती है सच में, वो जो भी बनाती है बहुत अच्छा जो स्नैक्स का आइडिया है उसे, वो सब कुछ वो बना लेती है यहाँ पे. और हम लोग खाते खाते मोटे हो गए हैं, है ना अमित? गुड मॉर्निंग. सो आज है नेक्स्ट डे यानी कि आज है ट्यूसडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30. अभी मैं सोती उठी हूँ, मैं मतलब हम सब अभी सोते होते हैं, बस ईशान भी सो रहा है और अमित गए हैं दूधला में. और अभी हम लोग करेंगे ब्रश, उसके बाद चाय पियेंगे, फिर लंच और ब्रेकफास्ट बनाएंगे, एक ही साथ बनाते हैं क्योंकि अमित लंच लेके जाते हैं और ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, इसलिए हम सब लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ बना लेंगे. तो चलिए चलते हैं किचन पर. और आज है सप्तमी तो आप सबको सुबह सप्तमी, बहुत सारा इन्जॉय कीजिए आज का दिन. लेकिन हम लोग तमिलनाडु में रहते हैं इसलिए यहाँ पे तो कुछ ऐसा पूजा नहीं होता है. सो आज हम लोग भी नया ड्रेस पहनेंगे वैसे, और बस वही सारा. और आज मेरा फास्ट है, फास्ट मीन्स जैसा अष्टमी जैसे हम लोग भी करते हैं, अष्टमी का जो फास्ट होता है वही फास्ट है आज मेरा. और ये है ईशान. ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, वी हैव वेजिटेबल राइस. सो गाइज अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:30 और जैसे कि मैंने दिखाया कि मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, एक्चुअली वो लंच है बट मैं आज 10 बजे के बाद राइस नहीं ले सकती थी इसीलिए मैंने जो लंच बनाया था वही मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया. और अमित ऑफिस चले गए हैं और ईशान अभी
नहाने की तैयारी में है, उसको अभी शावर देना है और रिया बाकी क्लीनिंग वगैरह कर ली है, वो अभी स्नैक्स ले रही है। सो और ये मैंने नया लाइनर लिया है, उसका यूज़ कर रही थी कैसा है। मैंने ये बनाया है, ये थोड़ा सा छोटा विंग बनाया है, ये थोड़ा सा बड़ा विंग बना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये देखने के लिए। सो अभी मैं ईशान को नहला दूँगी अच्छे से, और आज है सप्तमी तो आज मैं ईशान को एक नया कपड़ा पहनाऊँगी, नया ड्रेस। तो वो अपना ड्रेस खुद सिलेक्ट कर लेता है अभी, और मैं सिर्फ उसे चॉइसेस दे देती हूँ कि कौन सा तुम्हें पहनना है, और वो खुद वो चूज़ कर लेता है कि उसे कौन सा पहनना है। सो चलिए अब ईशान को थोड़ा सा नहला लेते हैं। सो गाइस, ईशान अभी रेडी हो चुका है, और ये है एक टी शर्ट जो कि फुल स्लीव्स में है ब्लैक एंड ब्लू कलर में, और ये है एक पैंट। इसे आप टूटी नहीं करो बेटा, दादा देखी सबाई के देखा दी तुम कि पड़े आज के। हाय हाय करो सबा के। ও আসলে জিজ্ঞেস করো তুমি কেমন দেখাচ্ছ বলো, বলো আমার কেমন লাগছে, কমেন্ট করবে সবাই। এটা ফ্লাইং কিস দিয়ে দাও সবাইকে, বা দিয়ে দাও একটা, ভালো করে বা দিয়ে দাও। আর ঈশান আমি কনফ্লেক্স খারা হ্যাঁ, और ये जो पैंट है वो ईशान के दादू ईशान के लिए ला दिए हैं दुर्गा पूजा में, और ऐसा सेम एक टी शर्ट ला दिए हैं वो हाफ स्लीव में है, और ये ईशान खुद चॉइस किया है, ये फुल स्लीव में है, सेम कलर है वो भी जो दादू ला दिए हैं ईशान के लिए, है ना ईशु, है ना दादू दी से, ईशान है दादू, ईशान है बेस्ट फ्रेंड। हाँ फिंगर टवार करो मुक्ति, फिंगर टवार करो, गुड बॉय, आहा फिंगर टवार करो, गुड बॉय, आहा फिंगर टवार करो, गुड बॉय, नॉटी, दुष्टू, दुष्टू। ईशान अभी रेडी हो चुका है, और अभी मम्मा रेडी होगी। सो अभी मम्मा को जाना है शावर लेने, है ना, सो और मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी मेरा दुर्गा पूजा का शॉपिंग हॉल। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, बट जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम सब ने मिलकर क्या किया है, शॉपिंग की है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे दुर्गा पूजा नहीं होता है, हम लोग तमिलनाडु में रहते हैं तो तमिलनाडु में दुर्गा पूजा नहीं होता है। तुम्हें कथा बोल रहे, बोलो बोलो कथा बोल ना, চলে যাবে ক্যামেরার থেকে, ক্যামেরার থেকে বাইরে চলে যাবে তুমি, আমি বলি। সো ইহা পে দুর্গা পূজা নেই হতা হ্যাঁ, এসলি হাম লোক জাদা কুছ শপিং নেই কিয়ে হ্যাঁ, আর ওয়েসে ভি হাম লোক ছোটা মোটা শপিং করতে রহতে হ্যাঁ, এসলি এসা কুছ খাস নেই হ্যায় কি দুর্গা পূজা মে হাম লোক শপিং করে। তো জো ভি হাম লোক থোড়া বহুত চিজে লিয়ে হ্যায় वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक हॉल में, और शूज़ से लेकर ड्रेसेस सब एक साथ मैं एक हॉल में शेयर करूँगी। उससे क्या होगा, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा, और आप लोग भी देख लोगे कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है, मैंने ईशान रिया अमित हम सब ने मिलकर क्या क्या शॉपिंग किए हैं। सो गाइस अभी मैंने शावर ले लिया है, और ये है मेरा आज का ड्रेस, ये एक वाइट कलर का पटियाला है, और ये है एक ब्यूटीफुल नेवी ब्लू कलर का कुर्ती, राउंड शेप में है ये, और ये मैंने आपको दिखाया था मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में, आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। और अभी मुझे शूट करना है एक वीडियो, मेकअप का वीडियो, तो चलिए मैं पहले मेकअप का वीडियो शूट कर लेती हूँ, और उसके बाद हम लोग लंच करेंगे, और ऑलरेडी एक बज चुका है, और मेरे लिए आज कुछ अलग लंच बनाना होगा, रोटी। तो चलिए शूट कर लेते हैं वीडियो सबसे पहले। सो गाइस अभी मैंने अपना वीडियो शूट कर लिया है, और अभी हम लोग डैडा को फ़ोन करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, और ईशान भी सो के उठ चुका है। हाय ईशु, सो चलिए अभी वीडियो कॉल कर लेते हैं अमित को, क्योंकि ईशान को बात करनी है डैडा के साथ। गाइस अभी हम लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, मैं और रिया, और हम लोग अमित से वीडियो कॉल कर लिए, वीडियो कॉल कर ली अमित से, और अभी हम लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, और मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, और
मेरा ये लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई नो अच्छा लगा है बट फिर भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका मैंने वीडियो शूट किया है इस लुक का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। नहीं सो बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, काफ़ी सुहाना हो चुका है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। डिनर करने के लिए जाने को मन कर रहा है लेकिन आज नहीं जा सकते बिकॉज आज हम लोग अनियन नहीं खा सकते, नॉन वेज नहीं खा सकते, देन राइस नहीं खा सकते, बहुत सारे ऐसे चीज़ों हैं सारी चीज़ें हैं जो आज हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। आज क्या नवमी तक सप्तमी अष्टमी नवमी है, सॉरी हाँ नवमी तक हम लोग ये सारी चीज़ें अभी नहीं खा सकते। दुर्गा पूजा है, इतना अच्छा फेस्टिव है, कैसे खा रहे ये सब इसलिए। बट मुझे आज बाहर जाने का बहुत मन कर रहा है, बाहर डिनर में एक्चुअली जाने का बहुत मन कर रहा है। सो वो हम नवमी में ही जा सकते हैं एक्चुअली। और ईशान उठा तो था लेकिन फिर से सो गया, पता नहीं क्यों, उसका शायद नींद उसका पूरा नहीं हुआ इसलिए वो फिर से सो गया। अभी हम लोग हैं बेकरी पे जो कि बिल्कुल रेडी हो चुका है। हेलो लेसन कट्टे बहुत अच्छा बनाए हैं और मैंने आपको बता दिया ईशान का केक है वो इसलिए क्योंकि आज ईशान अपना 1.5 साल कंप्लीट किया और इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक 1.5 ईयर वाला केक कट करते हैं। केक पूरा नहीं है, केक आधा है एक्चुअली, उसके नीचे थर्माकोल से हम लोग लिखे हैं हैप्पी बर्थडे 1.5 ईयर्स कंप्लीट करने के पूरे खुशी में। और उसके ऊपर हमने आधा केक बनवाया है, पूरा केक नहीं बनवाया। और केक में ही हमें पता चल रहा है कि 1.5 ईयर हो रहा है ईशान का भी। सो बातों में मैंने आपको बता दिया कि ईशान का केक रेडी है। सो बस इसीलिए हम लोग कल केक का ऑर्डर देने आए थे यहाँ पे और आज केक तो रेडी है, बस अभी हम लोग चले हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस केक कटिंग होगा और यूट्यूब में वीडियो कभी हम डिलीट नहीं करेंगे इसलिए हमने सोचा कि यूट्यूब में इसका एक वीडियो देते हैं तो जब ईशान जो बड़ा होगा तो वो भी इसे देख कर थोड़ा सा ना खुश हो जाएगा और हम लोग के लिए भी एक मेमोरेबल होगा ये आज का दिन। सो इसीलिए हमने सोचा कि ऐसे ही कुछ करते हैं एक। और ईशान के चाचू आए हुए हैं कोलकाता से जो कि आज वापस जा रहे हैं कोलकाता, इसीलिए हम लोग को थोड़ा जल्दी डिनर बनाना होगा। 8:30 बजे वो घर से निकलेंगे कोलकाता के लिए। सो चलिए अभी घर चलते हैं, सब तो हो गया। अभी अमित पैसा पेड कर रहे हैं, इसे फिंगर ना मुझे फिंगर ना। और ये ईशान का आदत बन चुका है, मतलब वो जब भी मुँह में फिंगर रखता है तो मैं कहती हूँ ईशु मुखे फिंगर ना, और बस मजाक बना के रख दिया है, मजाक बना के रख दिया है दुष्ट बच्चा। सो अभी चलिए और खुशी आई उसको मैं सोच रही थी कि सबको बुलाऊं लेकिन वो लोग अभी क्लास पे हैं इसीलिए वो लोग नहीं आ सकते। 8:30 बजे वो लोगों का ट्यूशन क्लास जो है वो क्लोज होता है तो इसीलिए वो लोग तो नहीं आ सकेंगे। तो हम लोग ही हैं, मैं रिया अमित और अमित के जो भाई है वो और बर्थडे बॉय ईशान। सो चलिए अभी चलते हैं घर और घर जाके करते हैं केक कटिंग। टाइम हो रहा है 7:30 और अभी ईशान के चाचू कोलकाता के लिए निकले और उनका ट्रेन है 11:00 बजे।
लेकिन हम लोग के घर से स्टेशन काफ़ी दूर पड़ता है, इसीलिए वो अभी इधर जल्दी निकल गए और डिनर करके नहीं गए हैं, क्योंकि इतना जल्दी मुझे लगा कि वो 8:30 बजे निकलेंगे, लेकिन वो 7:30 बजे ही निकल गए और वो वहीं पे रास्ते में कुछ होटल में जाकर डिनर कर लेंगे। और अमित गए हैं उनके साथ बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए। सो टाटा कर दो इसे सबाई के, टाटा कर दो। चाचू कोई नहीं, नहीं। चाचू कोई नहीं नहीं नहीं। और आज डिनर के लिए मैं बनाने वाली हूँ चना दाल फ्राई और उसके साथ रोटी। तो चलिए बनाते हैं अपना डिनर और इस ब्लॉग को भी मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। बाय, गुड नाइट।